day for you for the retreat, but for your practice it should continue. So today we will take a sutta which is kind of very important. You hear the word be in the moment, live in the moment, live in the day. Those kind of statements you listen to, but the Buddha has given that teaching 2500 years back, and he has given it in a very beautiful way, and he has linked that to this. And he has linked that to our practice also. So certain aspects we have already gone through, so we will go through that, and we will also take the sutta which is called Simile of the Saw. The Simile of the Saw is a sutta where the Buddha teaches you about how you kind of react if somebody kind of approaches you, talks to you. How do you react to them? So that is also a kind of a practice you can kind of take up for your day-to-day life or daily life. You can do that. So first we will go through the sutta, which is Baddhe Karetta Sutta. This is Majjhima Nikaya 131. Then we will do the Majjhima Nikaya 21. So hum aaj do sutta ka karenge. एक जो सूत्र है बद्धे करे रत्त सूत्र है, ए सिंगल एक्सेलेंट नाइट या ए सिंगल एक्सेलेंट डे, मीन्स एक अच्छा दिन या एक अच्छी रात. और दूसरा सूत्र है सिमिली ऑफ द सॉ, उस वो मज्जिमा निकाय 21. सो उसके अंदर आपको बताया गया कि किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं, अगर कोई आपसे बात करता है किस तरह से आप उसका आपका रिएक्शन रहता है, उसके बारे में है. तो दोनों सूत्र हम पढ़ेंगे. सो ये बहुत ही जरूरी सूत्र है आपके जीवन के अंदर उतारने के लिए. दस हैव आई हर्ड ऑन वन ओकेजन द ब्लेसेड वन वाज लिविंग एट सावती इन जेथास ग्रो अनाथ पिंडिकास पा. देयर ही एड्रेस द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वेरेवर सर दिस रिप्लाइड द ब्लेसेड वन सेड दिस स्टूडेंट्स आई शैल टीच यू द समरी एंड एक्सपोजिशन ऑफ वन हु हैज हैड ए सिंगल एक्सेलेंट नाइट. सो जब अनाथपिंडिका के आराम में बुद्ध थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एक अच्छा दिन आप बिता सकते हैं. लिसन एंड अटेंड क्लोजली टू व्हाट आई शैल से. यस वेनरेबल सर द स्टूडेंट्स रिप्लाई द ब्लेसेड वन सेड दिस लेट नॉट ए पर्सन रिवाइव द पास्ट. किसी को आपका जो अतीत है उसको वापस उसको खुरदना नहीं चाहिए. और ऑन द फ्यूचर बिल्ड हिज होम्स. और आपका जो भविष्य है उसके ऊपर आपको आशा नहीं रखनी चाहिए. फॉर द पास्ट हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड एंड द फ्यूचर हैज नॉट बीन रीच्ड. जो भी बीता हुआ है वो आपने छोड़ दिया है, और जो आप अतीत है वो अभी तक आया नहीं है. इंस्टेड विथ इनसाइट लेट हिम सी ईच प्रेजेंटली अरेजन स्टेट. मगर वो जो है चेतना से, इनसाइट जो है, आप विपस्सना बोलते हैं, तो उसको चेतना से आप हर एक चीज जो अभी उत्पन्न हो रही है उसको आपको देखना है. सो वॉट एवर हैपन्स करेंटली वॉट अराइजेज यू हैव टू सी. सो वॉट एवर कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप उसके अंदर आपका चेतना लेके आना है. सो वॉट एवर यू डू यू ब्रिंक योर अवेयरनेस टू द स्टेट. लेट हिम नो दैट एंड बी श्योर ऑफ इट इनविंसिबली अनशेकेबली. When it is saying invincibly, unshakably, there is only one thing which the Buddha refers to as invincible and unshakable, that is the Nibbana state. So it is saying that you have to do this until you reach the state of Nibbana, or this is a kind of insight you get when you practice in this way. So ye jo invincibly jo bol rahe hain aur unshakably, मीन्स जिस जो हराया नहीं जा सकता है और जो उसको हिलाया नहीं जा सकता है. जो हराया नहीं जा सकता, हिलाया नहीं जा सकता, वैसी चीज़ जो है निब्बाना के बारे में कहते हैं. या जो आप इसके अंदर से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हिल नहीं सकता है, ना ही उसको आप खत्म कर सकते हैं, हरा सकते हैं. क्योंकि ये ज्ञान आपके खुद का ज्ञान है, क्योंकि आपने खुद देख के वो ज्ञान का प्राप्त किया है, तो वो ज्ञान को आप हिला नहीं सकते. कोई आपको कन्विंस नहीं कर सकता कि ये गलत चीज़ है, क्योंकि आपने खुद ने देखा है उसे.
तो उसका दिस थिंग, सो नोबडी एल्स फ्रॉम एक्सटर्नली कैन शेक यू और डिफीट यू, दैट इज द रीजन इट इज इनवेंसिबल एंड अनशेकेबल. टूडे द एफर्ट मस्ट बी मेड, टुमोरो डेथ मे कम. सो आज आपको प्रयास करना है, कल क्या है, मृत्यु भी आ सकती है, तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है. हु नोज नाउ, नो बार्गेन विथ मोर्टैलिटी कैन कीप हिम एंड हिज होड्स अवे, मीन्स उसके मृत्यु के साथ में कोई समझौता नहीं किया जा सकता. जब मृत्यु आती है तब वो आती है, सो व्हेन द टाइम इज अप यू हैव टू गो, सो देयर इज नो काइंड ऑफ बार्गेनिंग दैट कैन बी डन. But one who dwells thus ardently, relentlessly, by day, by night, it is he, the peaceful sage has said. Who is the peaceful sage? Buddha. The Buddha is the peaceful sage. Who has had a single excellent night. So, that is what he is saying, that if you stay in that way, you don't dwell in the past, don't worry about the future, but stay in the moment that you have an excellent day. So, आप पीछे का आप नहीं सोचेंगे, आगे का नहीं सोचेंगे, और अभी के समय में आप रहेंगे तो आपने अच्छा दिन बिता सकते हैं आप, फिर आपको इतना फिकर की जरूरत नहीं है. हाउ स्टूडेंट्स डज वन रिवाइव द पास्ट, वन नेचर्स डिलाइट देयर थिंकिंग आई हैड सच मटेरियल फॉर्म्स इन द पास्ट, वन नेचर्स डिलाइट देयर थिंकिंग आई हैड सच फीलिंग्स इन द पास्ट, I had such perception in the past, I had such formations in the past, I had such consciousness in the past. That is how one revives the past. जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो कि मेरे पास इस तरह का रूप था, इस तरह का सोच थी, इस तरह की वेदना थी, इस तरह की चीज़ें थी, तो वो सोच के आपका मन जो है वो अतीत के तरफ जाता है. And how students does one not revive the past? One does not nurture, means वो उस तरह से सोचता नहीं है. And how students does one build up hope upon the future? अब भविष्य के लिए किस तरह से आशा आप करते हैं. One nurtures delight thinking, may I have such material form in the future? One nurtures delight there thinking, may I have such feeling in the future? May I have such perception in the future? May I have such formations in the future? May I have such consciousness in the future? तो आप भविष्य के बारे में सोचिए, मैं ऐसा मेरा रूप हो और ऐसा मेरा वेदना हो, ऐसा मेरा चेतना हो, उस तरह से सोच के आप भविष्य के बारे में आशा करते हैं और उसके अंदर आप खुश सुखी होते हैं कि अच्छा मेरे पास में अच्छा ये हो जाएगा, घर आ जाएगा या जो है एक अच्छी गाड़ी आ जाएगी, तो उसके अंदर वो आदमी आनंद लेता है, अभी आनंद लेता है. मगर उसमें नहीं करेंगे तो फिर वो आपको तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि अगर आपने बोला कि मैं अच्छी गाड़ी लूँगा, वो गाड़ी आती है मगर वो आपके कलर में नहीं आती, तो आपका दिल दुख जाता है. तो समय क्या होता है कि जब गाड़ी डिलीवर होती है तब उसके अंदर एक स्क्रैच रहता है छोटा, तो आदमी को ऐसा लगता है कि वो उसके खुद के शरीर से मार दिया है स्क्रैच, तो उस तरह से दुख पीड़ा होती है. तो हर एक चीज़ अगर आप भविष्य के बारे में ऐसा करें तो आपको दुख हो सकता है. सो इन द फ्यूचर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड इट डज नॉट हैपन, देन यू आर इन ट्रबल और यू कैन हैव पेनफुल फीलिंग्स. एंड हाउ स्टूडेंट इज वन वैंक्विश्ड इन रिगार्ड टू प्रेजेंटली अरिजन स्टेट. सो अभी का जो चीज़ हो रही है वर्तमान में, उसमें भी किस तरह से आपको सावधान रहना है. Here students, an untaught ordinary person who has no regard for noble ones and is unskilled and undisciplined in their dhamma, who has no regard for true men and is unskilled and undisciplined in the dhamma, regards material form as self. So उस तरह से ये जो भी चीज़ है, जो शरीर है, वेदना है, आपका दृष्टिकोण है, आपका मन है, आपकी सोच है, उसको आप वो मैं हूँ, मेरा है, उस तरह मानते हैं, तब आपको इसका दुख होता है. जब आप उसको अपना नहीं मानते कि ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपका शरीर आपका है तो आप बदल के दिखा दीजिए शरीर को. अगर आपका रंग अगर समझो गोरा है तो काला करके दिखाइए, काला है तो गोरा करके भी दिखाइए, वो तो आप कर नहीं सकते. तो शरीर आप अपना क्यों मानते हैं? फिर आपका जो भी वेदना है वो वेदना ऐसी ही आए, ऐसा आप सोच के बताइए. ऐसा नहीं हो सकता, जैसे वेदना आनी है वैसी आएगी.
तो हर एक चीज जो अपने आधीन नहीं है उसके उसको अपना नहीं कहना चाहिए, उसको फिर आपको दृष्टि से देखना चाहिए कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, और हर एक चीज के ऊपर जो आपके चिपकाव है उसको छोड़ना चाहिए। और एंड हाउ स्टूडेंट्स इज वन इनविंसिबल इन रिगार्ड टू प्रेजेंटली अरिजन स्टेट, हियर स्टूडेंट्स ए वेल टॉट नोबल डिसिप्लिन हु हैज रिगार्ड फॉर नोबल वंस एंड इज स्किल्ड एंड डिसिप्लिन्ड इन द धम्मा, हु हैज रिगार्ड फॉर ट्रू मैन एंड इज स्किल्ड एंड डिसिप्लिन्ड इन द धम्मा डज नॉट रिगार्ड मटेरियल फॉर्म एज सेल्फ। सो ये फिर से आप यही बता रहे हैं कि आपको जो जो भी चीज़ है, अगर आप बुद्ध का अगर टीचिंग में आते हैं तो आपको आपको पता चलता है कि ये जो है ये मेरा नहीं है, उसके अंदर चिपकाव नहीं पैदा करना चाहिए। So it was with reference to this that it was said, students, I shall teach you the summary and exposition of one who has an ex has had an excellent night. That is what the blessed one said. The students were satisfied and delighted in the blessed one's word. So इस तरह से आपको वर्तमान में रहने का जो शिक्षा है वो बुद्ध ने आपको दिया है। So, उसको आपको आपके जीवन के अंदर उतारना है। बहुत लोगों ने पूछा है किस तरह से आप ये जो आपने सीखा है आप जीवन में उतार सकते हैं। जीवन में उतारने के लिए सबसे जो अहम बात है वो है कि आप जो जो भी आप कार्य करते हैं उसको आप चेतना से करना है, और चेतना को आप है या नहीं उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन या एक चीज़ जो जहाँ पे आपकी मन टिका रहे हैं वो लेते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि हमारी चेतना इधर से उधर किस तरह से जा रही है। तो हम एक स्माइल ले सकते हैं, मुस्कुराहट ले सकते हैं, थोड़ा मुस्कुराहट से आप सारा चीज़ करेंगे, आपका मुस्कुराहट जाती है तो आपको पता चलता है कि आपका मन भटक रहा है, फिर आप क्या करेंगे उसे जाने देंगे, आप रिलैक्स करेंगे, स्माइल करेंगे, वापस अपना कार्य में लग जाएंगे। तो उस तरह से कोई भी कार्य जो है आप चेतना से कर सकते हैं, या आपको वो अगर नहीं अच्छा लगता है कि स्माइल करना तो आप मेहता भेज सकते हैं किसी भी चीज़ जो कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ने पे मेहता भेजता हूँ, जब मेरा मन भटकता है तब मुझे पता चलता है कि मैं अभी ये पढ़ नहीं रहा हूँ, तो उसे छोड़ के रिलैक्स करके वापस आके पढ़ाई पे लग जाता हूँ, या फिर मेरे कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, तो उस तरह से आप ये जो भी चीज़ है वहाँ पे आप कर सकते हैं। और फिर जो भी आपका विचार आता है तो आपको सोचना है कि ये क्या भविष्य का विचार है, वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो हम सुबह धम्मपदा का भी पढ़ते हैं कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे हराया, ऐसा अगर सोचेंगे तो आपका वैर कभी शांत नहीं होता। अगर वैर शांत नहीं होता अपना मन चंचल ही होता है, फिर आप उसे आप नहीं ऐसा सोचते हैं तो आपका जो भविष्य में जो हुआ है वो छोड़ देते हैं, तो फिर आपका मन के अंदर जो चंचलता है वो कम होती है। फिर आपका दूसरा क्या होता है, आप जो भविष्य के बारे में चलते मुझे ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा हो, उसके अंदर रहता है, तो वो दोनों जो जगह पे आपका जो एनर्जी या जो आपका परिश्रम है वो चले जाता है। तो एक एग्जांपल दिया गया है कि आपको समझो हर रोज समझो एक पूरा एक कप भर के पानी मिलता है, ओके, पूरे दिन के लिए, मगर ये आप क्या करते हैं, एक तिहाई पानी आप भविष्य के बारे में आप जो है ना वो सोच के आप उसका ये कर देते हैं, फिर एक तिहाई जो है आप अतीत के बारे में जो भी अतीत में हुआ उसके बारे में सोच के आपका ये कर देते हैं, तो जो भी आप बचता है वो एक तिहाई ही बचता है। सो हाउ कैन वी यूज दिस प्रेजेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज इफेक्टिव इज बाय द एग्जांपल ऑफ द वाटर। से इफ एवरीबडी इज गिवन ए ग्लास ऑफ वाटर एंड वन थर्ड इज स्पेंट ऑन द पास्ट, all the worries of the past, what had happened and something. One third is spent on the future, whatever happened in the future. Then you have only one third of the energy left for the present time. So that present time you will not be able to put all your efforts. So that is, if you then stop spending that energy on the past and the future, then you have the full energy to have the present
which is good. So that is how you can take this practice and use it in the daily life. And I just give you about the sutta number 21. Students, there are these five courses of speech that others may use when they address you. Their speech may be timely or untimely, true or untrue, gentle or harsh, connected with good or with harm, spoken with a mind of loving kindness or with inner hate. When others address you, their speech may be timely or untimely. When others address you, their speech may be true or untrue. When others address you, their speech may be gentle or harsh. When others address you, their speech may be connected with good or with harm. When others speak with you, their speech may be spoken with a mind of loving kindness or with inner hate. So, Buddha कहते हैं कि जब आपसे कोई बात करता है, तो पांच तरीके से आपसे बात करता है. वो आप समय अनुसार बात करता है, मीन्स अच्छे समय पे बात करता है, या जो समय ठीक नहीं है वहाँ पे बात करता है, या फिर आपको जो बताता है वो सत्य बात करता है या असत्य बात करता है, या फिर आपसे नम्रता से बात करता है या क्रूरता से बात करता है, या आपके लिए वो जो अच्छे आपका अच्छा हो उसके लिए आपको बात करता है या आपका बुरा हो उस तरह से बात करता है. आपका उनका जो मन है वो मेहता से भरा हो सकता है या उसका मन घृणा से भरा हो सकता है. सो इस तरह से ये पांच तरीके से वो आपसे बात कर सकता है. हियर इन स्टूडेंट्स यू शुड ट्रेन दस अवर माइंड्स विल रिमेन अनअफेक्टेड एंड वी शैल अटर नो इवल वर्ड्स. हम लोग को इस तरह से हमारा अभ्यास करना चाहिए कि हमें उनसे कोई जो है क्रूर शब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी भी तरह वो सामने से बात करें. We shall abide compassionate for their welfare. हम उनकी जो उनके जो चिंता है, उनकी चिंता और उनके भलाई हमें हर समय सोचनी चाहिए. With a mind of loving kindness, अपना मन मेहता से भरा रहना चाहिए. Without inner hate, और हमारे दिल में घृणा नहीं आनी चाहिए. We shall abide pervading that person with a mind imbued with loving kindness. तो हम उसे मेहता का हम हमारे हृदय से मेहता उनको भेजेंगे. एंड स्टार्टिंग विद हिम वी शैल अबाइड प्रोवाइडिंग द ऑल एनकम्पसिंग वर्ल्ड विद अ माइंड इम्ब्यूड विद लविंग काइंडनेस अबंडेंट एक्सल्टेड इमेजरेबल विदाउट हॉस्टिलिटी विदाउट इल विल. दैट इज हाउ यू शुड ट्रेन. सो पहले जो हमारे साथ हैं उनको हम मेहता भेजेंगे, और फिर सारे जो यहाँ पे है ब्रह्मांड में हम उसको मेहता भेजेंगे, जो भी हमारे पास में है और जो हमारे पूरे आजू बाजू है सबको हम मेहता भेजेंगे. सामने वाला वो घृणा से भी बात करें मगर हम सिर्फ मेहता से बात करेंगे. और कितना जो है सामने वाला बुरी तरह से बात कर सकता है, और उसको आपको सिर्फ मेहता से ही करना है. उसका बारे में एग्जाम्पल भी दिया है, इसलिए इसका नाम जो है सिमिली ऑफ द सॉ है. उसको एग्जाम्पल हर समय आपको मन में रखना है. सो वो एग्जाम्पल भी हम अभी बताते हैं. स्टूडेंट्स इवन इफ बैंडिट्स वेयर to sever or your sever you savagely limb by limb with a two-handed saw, he who gave rise to a mind of hate towards them would not be carrying out my teaching. So Buddha ने कहा कि अगर किसी ने रंधे से आपका जो हाथ भी एक एक करके काट रहा है, तो उनके प्रति आपको घृणा का भाव नहीं लेके आना चाहिए. आपको वो फिर आप जो है कितना भी सामने वाला करे आपको वो घृणा का भाव नहीं लेके आना चाहिए. हियर इन स्टूडेंट्स यू शुड ट्रेन दस अवर माइंड्स विल रिमेन अनअफेक्टेड एंड वी शैल अटर नो इवल वर्ड्स वी शैल अबाइड कंपैशनेट फॉर देयर वेलफेयर विद अ माइंड ऑफ लविंग काइंडनेस विदाउट इनर हेट वी शैल अबाइड प्रोवाइडिंग देम विद अ माइंड इम्ब्यूड विद लविंग काइंडनेस एंड स्टार्टिंग विद देम
we shall abide pervading the all-encompassing world with a mind imbued with loving kindness, abundant, exalted, immeasurable, without hostility, without hatred. That is how you should pray. Students, if you keep this advice of the simile of the saw constantly in mind, do you see any course of speech, trivial or gross, that you could not endure? No, venerable sir. Therefore, students, you should keep this advice on the simile of the saw constantly in mind. That will lead to your welfare and happiness for a long time. So, उन्होंने कहा है कि जब वो कोई आपका अगर हाथ भी काट रहा है, उसके प्रति भी आपको मेत्ता का भाव रखना चाहिए और सारे जो ब्रह्मांड को मेत्ता का भाव आपको देना चाहिए। अगर आप इस एग्जांपल को, इसका इस उदाहरण को आप याद रखें, तो ऐसा कोई भी ऐसा वाक्य है, ऐसा कोई भी आपका कोई कार्य है जो करेगा, उससे आपका घृणा पैदा होगी? तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम ये और ये जो आपका उदाहरण दिया गया है, आपका जिंदगी के अंदर हर समय याद रखना है आपको, और अगर ये याद रखेंगे तो आपको मन के अंदर कभी घृणा का भाव उत्पन्न हुआ तो भी आप उसको आराम से निकाल सकते हैं और उसको मेत्ता में बदल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये एडवाइस दिया गया है कि किस तरह से आपका जो मेत्ता का भावना है आपका जीवन के अंदर उतारना है, भविष्य और अतीत के बारे में आपका मन ये नहीं करना है, और आपका जो भी कार्य है आप उस कार्य के अंदर मेत्ता का भाव लेके आपको जीवन बिताना है। तो अगर ये आप अभी उदाहरण जो दिया है, आप अगर वो उदाहरण को मानेंगे तो फिर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पे आपको कोई ऐसा आपका आपको ये जस्टिफिकेशन बोलते हैं हम लोग, वो जस्टिफिकेशन हो कि आप उसके ऊपर गुस्सा करें या उसको घृणा करें। सो व्हेन वी कीप दिस सिमिले ऑफ द सॉ इन आवर माइंड फॉर ऑल एक्शंस व्हिच वी आर डूइंग, देन देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर एनी एंगर और हेट्रेड टू स्टे इन द हार्ट। वी कैन रिमूव दोज हेट्रेड एंड रिप्लेस इट विद लविंग काइंडनेस। सो वी हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप दिस एग्जाम्पल ऑफ सिमिले ऑफ द सॉ इन आवर हार्ट्स एंड माइंड्स। तो ऐसा आपको करना है और आप जीवन के अंदर इसे ले जाना है। तो कुछ उदाहरण है कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि कितना आपको ये करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। सो कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, तो सबसे अच्छा है सुबह आपको आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। So many people ask when to do we practice in our daily life. So it is better to do it in the morning. Why in the morning? Because in the evening some other things may come up, some relatives may come up, some event may come up, or there may be extra work. So then you may kind of not be able to do it on a regular basis. But if you do it in the morning, you can adjust your sleep pattern. So if you are getting up at say 6 o'clock every morning to go to office, you can get up at 5, sit for 1 hour and keep your schedule of the day. And the 1 hour you have sat will also compensate for your sleep. Because if you are doing meditation, you will require less sleep. So, इस तरह कहा जाता है कि सुबह अगर आप उठते हैं, सब जो 6 बजे उठते हैं, तो अभी आप 5 बजे उठ सकते हैं, 5 से 6 आप बैठ सकते हैं और उसके बाद में आप अपने कार्य कर सकते हैं। तो आपका जो भी दिन का जो दिनचर्या है उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको 1 घंटा उठना है। शाम को अगर आप बैठते हैं तो क्या होता है, शाम में अलग अलग चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कोई प्रोग्राम आ गया, कोई आपके परिवार वाले आ गए हैं, और आपका जो समय है वो आपका छूट सकता है। जब आपका समय छूटता है तो वो रूटीन निकल जाता है, और जब रूटीन निकल जाता है तो फिर वो आपका जो आदत बनानी है वो आदत बनने से रुक जाती है। तो उस तरह से आपको सुबह कर सकते हैं। अगर आपको और समय मिलता है शाम को या आपका वीकेंड में, जैसे सैटरडे संडे है, तो आप ज्यादा बैठ सकते हैं, तो एक सेशन जो है वो आप लंबा कर सकते हैं। ऐसा एक उदाहरण है कि रशिया के अंदर एक हमारा ब्यूरोक्रेट है जो हमारे बंते विवरम सिंह के शिष्य है, वो जो है सुबह उठ के 3 घंटा अभ्यास करते हैं। तो वो ऑफिस जाते हैं, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, वो वापस आते हैं ऑफिस से तो सबके साथ में खाना खाते हैं और जल्दी सो जाते हैं। वो टीवी नहीं देखते हैं,
ना ही कोई दूसरा जो ये है कार्य करते हैं, वो सिर्फ उसका खाना हो गया, उनका बच्चे के साथ में एक बार बैठ के बातचीत हो गई, उसके बाद में वो 9 बजे तक वो सो जाते हैं। तो फिर क्या है कि उनको सुबह उठने में तकलीफ नहीं होती, फिर 3 घंटे बैठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 3 घंटे बैठते हैं, फिर तैयार होकर ऑफिस जाते हैं। तो उस तरह से भी कुछ लोग कर रहे हैं, जिस तरह से आपका रूटीन हो उस तरह से आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो हमने बताई है ये एक तरह का एक टूल है, एक तरह का क्या बोलते हैं औजार औजार है, वो मन का औजार है, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो और अच्छा होगा और आप इसके अंदर और कुशल होंगे। सो दिस इज जस्ट ए टूल फॉर द माइंड, सो द मोर यू यूज इट, द मोर यू काइंड ऑफ प्रैक्टिस, द बेटर एंड मोर एक्सपर्ट यू विल गेट। एंड देन यू कैन ऑल्सो बी इन टच विद अवर वेबसाइट्स एंड एवरीथिंग टू गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। द वेबसाइट इज www.dhammasukha.in एंड देन देर इज वन dhammasukha.org, दैट इज अवर इंटरनेशनल वेबसाइट विच इज हैंडल्ड बाई अवर US पीपल इन US इन डेविड जॉनसन, ही इज हैंडलिंग दैट। And then there are certain people helping him, and we handle this dhammasukha.in. So this website you can come and come to know what are the future retreats which you have planned, some programs. So those things we can be aware of by being. We also have Zoom classes which are conducted on Sunday 2:30 India time, and then Wednesday 6:30, and then on Sunday 6 o'clock. इन हिंदी, सो यू कैन ज्वाइन अस ओवर दैट। सो हमारे संपर्क में आप रह सकते हैं, जैसे वेबसाइट है www.dhammasukha.in और हमारा जो इंटरनेशनल साइट है .org है, dhammasukha.org, उसका जो हमने यहाँ पे जो ये बुकलेट दिया है, बुकलेट के अंत में आपको दिया गया है, और मेरा ईमेल भी है वहाँ पे dhammagavesibhikkhu@gmail.com। तो आप हमको मुझे लिख भी सकते हैं, अगर कोई सवाल है या कोई कठिनाई होती है तो आप हमारे संपर्क में रह सकते हैं। और कोई सवाल है इसके बारे में, आपका प्रैक्टिस के बारे में, या आपका किस तरह से जीवन में लेके जाना है उसके बारे में कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस? यू आर क्लियर अबाउट दिस? So we will go to the next part of this thing, because we have to do two more things over here. We will have a feedback session. I will take a 5-minute feedback from everybody, and then we will have a group photo session. We can everybody can be in a group, and we can have an image of ours for memory. So we will share the merits now. Okay? May suffering ones be suffering free, and the fear struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find him. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Bhavas.